पल्लवीज किचन आज हम बनाएंगे ब्रोकली सूप। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम्स ब्रोकली, इसको हम कट कर लेंगे, 1 डाइस्ड पोटैटो, 1 चॉप्ड अनियन, 1 कप मिल्क, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून बटर, 2 to 3 गार्लिक क्लोव्स, सॉल्ट टू टेस्ट। पैन में हम बटर डालेंगे। मैं हाफ बटर अभी यूज कर रही हूँ, हाफ मैं बाद में यूज करूंगी। अब इसमें हम अनियन डालेंगे, गार्लिक क्लोव, पोटैटो, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे, अराउंड 2 to 3 कप। इसको हम 10 मिनट्स के लिए बॉईल होने देंगे, इससे पोटैटोस भी अच्छे से कुक हो जाएंगे और अनियन भी सॉफ्ट हो जाएगा। पानी इसका बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, इसको हम 10 मिनट्स के लिए बॉईल कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम ब्रोकली डालेंगे। 10 मिनट्स हो गए हैं, अब इसमें हम ब्रोकली डाल देंगे और इसको और 5 मिनट्स के लिए हम बॉईल होने देंगे, इससे ब्रोकली भी अच्छे से कुक हो जाए। फाइव मिनट्स हो गए हैं, ब्रोकली भी अच्छे से कुक हो गई है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो गया थोड़ा, अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हो। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे से ठंडा कर लें पूरी तरह से। अब हम व्हाइट सॉस बनाते हैं। पैन में हम बटर डालेंगे, इसमें हम दूध डालेंगे, इसको बॉईल होने देंगे। दूध बॉईल होना स्टार्ट हो गया, अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम वेजिटेबल्स डालेंगे जो हमने ग्राइंड कर ली थी, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम सॉल्ट डाल लेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और सूप को सर्व करेंगे। हमारी आज की रेसिपी ब्रोकली सूप। मेरी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक एंड शेयर। बाय।